हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से और आप सभी का मेरे छोटे से टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे अपना और अपने अपने का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, तो आज देखिए मई की 8 तारीख है, तो मेरे गार्डन में देखिए फूल कौन कौन से खिले। ये देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। देखिए हिबिस्कस के बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, 2-3 कलर्स के लगे हैं। ये देखिए हिबिस्कस के कितने सारे बर्ड्स हैं इसमें भी। ये देखिए बर्ड्स हैं, ये देखिए डेजर्ट रोज के लगे एडेनियम के। और इधर देखिए दोस्तों, उधर पूरे वेजिटेबल्स लगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को मेरे गार्डन में जो जो वेजिटेबल्स लगे प्लांट, वही थोड़ा सा आप सभी से शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 10 o'clock या मॉस रोज पर्सलिन के देखिए एक साथ मैंने अभी तो लगा के रखे, बाद में अब धीरे धीरे मैं थोड़े थोड़े और लगाऊंगी। ये देखिए कितने सारे फूल खिले, मेरे पास 5-6 कलर के हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे गार्डन के वेजिटेबल्स, ये देखिए ये चौलाई है, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये देखिए इसको हमारे भोपाल में चौलाई कहते हैं, इस भाजी को इसको कुल्फा कहते हैं। और ये देखिए ग्रीन चिली के लगे हुए, ये देखिए ये वाले ब्लैक चिली है, ये देखिए मिर्ची के लगे हुए हैं, ये वाला ग्रीन चिली है, वो देखिए चिली का है। अभी सारे मैंने सीड्स ही लगाए थे, उसी से देखिए सीडलिंग निकल के पौधे भी बड़े हो गए। तो ये जो देख रहे हैं ना भाजी, ये वाले जो चौलाई भाजी, ये करीबन 1 महीना तो हो ही गया मैंने बीज डाले थे, तो उसी से अभी देखिए कितने बड़े भी हो गए ये। और ये वाले जो छोटे छोटे देख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे पौधे, अभी ये 15 दिन ही हुए हैं करीबन बीज डाले हुए। तो बीज डालने के 2-3 दिन में ही इसके बिल्कुल सीडलिंग निकल आते, छोटे छोटे पौधे निकल आते। तो फ्रेंड्स, अभी भी समय है, अभी भी आप लोग डाल सकते हैं अगर घर में बीज रखा हो तो, इसके बीज, टमाटर के बीज, बैंगन के बीज। ये देखिए ये वाला बीज, इसको भी मैंने बीज ही डाला था। तो देखिए ये घर में जो थे ना, जो मिर्ची थी घर में रखी हुई थी, उसी को बीज डाला था। तो देखिए कितनी जल्दी बढ़ गया, 1 महीने के अंदर देखिए इसमें फूल आके, ये देखिए मिर्ची भी लगी प्लस कितने सारे फूल है इसमें। ये देखिए भिंडी का भी घर में रखा हुआ था बीज, वही ये देखिए सब अलग अलग टाइम में, ये वाले तो और बाद में डाला मैंने, 1 हफ्ता भर ही हुआ है देखिए छोटे छोटे सीडलिंग्स से, ये चौलाई के प्लस ये चेरी टमाटो के। तो मेरे पास जो भी पौधे रहते दोस्तों, मैं सबके बीज रख देती। ये वाले देखिए, ये वाले भी चौलाई भाजी के हैं, ये देखिए पूरे चौलाई भाजी है। ये देखिए कितना हेल्दी सा है, ये देखिए ये भी चौलाई है। ये देखिए इधर से ऐसे फूल आते हैं फिर उसमें बीज बनते, तो मैंने इसको तोड़ दिया ताकि ये पौधा थोड़ा हेल्दी रहे। अभी तो बीज नहीं चाहिए, मैंने खूब सारे बीज कलेक्ट करके रखे है। तो एक आध पौधा ऐसे रख देती हूँ, जैसे ये देखिए इसमें थोड़ी देर से बीज आने लगे तो इसको मैं रख दूँगी, तो इसमें से बीज फिर बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसे मैं रख देती हूँ। और ये देखिए पॉम्पकिन, ये वाला देखिए दोस्तों, अप्रैल के शुरू में लगाया था मैंने इस पॉम्पकिन को, देखिए कितना बड़ा हो गया पॉम्पकिन का प्लांट। घर में बीज रखा था वही मैंने डाल दिया था। और ये वाला देखिए, ये सफ़ेद कद्दू जो पेठा बनता है ना, वही वाला है, उसके बीज डाले थे, तो देखिए कितने बड़े हो गए। ये देखिए पूरा यहाँ से पूरा वहाँ तक चला गया, ये देखिए यहाँ तक आ गया पूरा वाइट वाला पॉम्पकिन का। तो अगर मुझे ज़्यादा अधिक फूल चाहिए, मतलब फ्रूट चाहिए, तो दोस्तों 2G 3G कटिंग करते वो कर सकते। ये वाला देखिए, इसको भी अप्रैल के 1st week में ही, शुरुआती में ही मैंने इसके बीज डाले थे घर में, जो बीज रखे थे। तो देखिए बड़ा हो गया, इसमें 10-15 पत्तियाँ निकल आई। तो मैं क्या करूँगी, आज यहाँ से थोड़ा कट कर दूँगी, तो फिर यहाँ से और 2 शाखाएँ निकलेगी, तो वही 2G 3G जो कटिंग होता है ना वही है, तो उसमें से शाखाएँ निकलेगी, फिर उन शाखाओं को भी थोड़ा और कट कर दूँगी, तो जिससे कि फ्रूट होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये देखिए इसके नीचे मैंने और भी कुछ कुछ सीड्स डाले थे। ये देखिए बैंगन के मेरे पास रखा हुआ रहता है, जो लास्ट बैंगन मैं एक रख देती हूँ दोस्तों सुखा के, तो उसी से ही मैं नए नए पौधे तैयार करती हूँ। ये देखिए करेले का,
और दूसरा और एक पम्पकिन देखिए, ये वाला देखिए कितना ऊपर तक चला गया है। तो अच्छा लगता है दोस्तों जब इसमें थोड़े से फल लगते हैं। और ये देखिए बैंगन, भिंडी, सब ये सभी है मेरे गार्डन में भी। तो ये देखिए और एक बैंगन का दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक बैंगन है, ये वाला देखिए कितना हेल्दी सा है। और साइड में देखिए इसके साइड में चेरी टमाटो के बीज मैंने एक हफ्ते पहले ही डाले थे, देखिए हो गए। तो अभी भी आप वेजिटेबल्स जो घर में रखे रहते हैं, मिर्ची, टमाटर, प्याज, उन सबको डाल दीजिएगा तो नए नए वेजिटेबल्स बन जाएंगे, पौधे उग जाएंगे बहुत जल्दी, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे वेजिटेबल्स, इधर भी थोड़े से वेजिटेबल्स हैं। इधर देखिए दोस्तों सेम का मैंने एक दो बीज डाला था, देखिए उसके निकल आए। ये देखिए सेम का, तो अभी आप अभी भी लगा सकते हैं सेम का, तो अभी नहीं तो फिर जून के फर्स्ट वीक में, तो मैंने अभी लगा दिए। तो थोड़े से बारिश आते थे थोड़े बढ़ जाएंगे, फिर एकदम बारिश के पानी में एकदम हेल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है। अभी तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा, और जब बारिश आएगी ना तो एकदम से हेल्दी बन जाएगा। इस जगह पर देखिए ये एक पम्पकिन लगाया है। इस जगह पर क्या धूप कम आती है, जब ये प्लांट थोड़ा ऊपर तक पहुँच जाएगा ना उसके बाद ये पौधा हेल्दी बन जाएगा। तो अभी तो ऐसे छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर हेल्दी होगा, क्योंकि इधर धूप कम आती है, धूप बहुत ज़रूरी है इन सब वेजिटेबल्स के पौधों के लिए। और उधर देखिए थोड़े सूखे सूखे जो टहनियाँ पत्तियाँ दिख रही है ना, इसको मैं कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। अभी तो गार्डन के जितने सूखी टहनियाँ पत्तियाँ मैंने उधर स्टोर करके रखा है, तो बाद में उससे मैं बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।